महाकुंभ के आयोजन में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए किन्नर अखाड़े ने एक अनोखी पहल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों के तहत महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से किन्नर अखाड़े ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की अगुवाई में निकली इस रैली में किन्नर समाज के सदस्यों ने भरपूर भागीदारी दिखाई और संगम नगरी प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया। सुभाष चौराहे पर सहायक नगर आयुक्त के साथ मिलकर आयोजित इस रैली का उद्देश्य था लोगों को पॉलीथीन के प्रयोग से दूर रहने के लिए प्रेरित करना। किन्नर अखाड़ा ने फाइबर और प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर दोना पत्तल और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने की महत्वपूर्ण पहल की है, ताकि महाकुंभ को एक ग्रीन और स्वच्छ उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इस रैली में न केवल किन्नरों ने बल्कि नगर निगम के अधिकारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और स्थानीय दुकानदारों को जागरूक किया। महाकुंभ प्रशासन और किन्नर अखाड़ा की इस संयुक्त पहल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालु पॉलीथीन का उपयोग कम करेंगे और स्वच्छता की इस मुहिम में सहयोग करेंगे। इस तरह किन्नर समाज ने समाज के अन्य वर्गों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजधानी प्रयागराज में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि महाकुंभ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी एक मिसाल बने। आज हम लोग पूरा किन्नर समाज, हमारे ट्रांसजेंडर समाज मिल के हम लोग जन जन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए आज हम लोग ने जुलूस निकाला है और हमारे किन्नर समाज एक गाना भी बनाया है और हम लोग ताली बजा बजा के सबको संदेश दे रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज करिए, तभी हमारा प्रयागराज स्वच्छ हो पाएगा और हमारा प्रयागराज नंबर वन प्रयागराज बने। जय श्री महाकाल। अरे प्रयागराज के किन्नर समाज के साथ हमारी आदरणीय कौशल्यानंद गिरी महाराज जी और एक बहुत सुंदर गीत के साथ जनता का आह्वान कर रही है कि प्लास्टिक को त्यागिए और स्वच्छ प्रयाग बना करके, हरित प्रयाग बना करके आने वाले कुंभ मेले में जो करोड़ों तीर्थ यात्री आएंगे उनको हम सब लोग एक संदेश देने का काम करें। बहुत सुंदर प्रयास आदरणीय कौशल्यानंद गिरी जी महाराज की तरफ से हुआ है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और अपने सभी किन्नर भाइयों का, बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। नगर निगम के अधिकारियों का भी इस प्रयास के लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयाग की जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप सब लोग भी अपने नागरिक धर्म का पालन करें और स्वच्छता में सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।